राम राम भाई सभी को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। गाइज आज मैं आपको रिव्यू देने वाला हूँ होंडा एस पी 125 का, और ये एक साल का ओनरशिप रिव्यू होने वाला है। पूरे 16,000 किलोमीटर में इस बाइक को चला चुका हूँ। अभी मैं आपको इसका कंसोल ऑन करके सारी चीज़ें दिखाऊंगा, और मैं आपको बता दूं कि ना लगभग 13 महीने तो हो चुके हैं इस बाइक को मेरे को चलाते हुए। और मैं आपको कुछ बेस बता देता हूँ कि किस बेस पे मैं इसका रिव्यू देने वाला हूँ। तो गाइस एक साल में और 16,000 किलोमीटर चलाने के बाद, मतलब मैं बता रहा हूँ कि मैंने इसको ना इसके साथ लॉन्ग राइड भी किया है, ऑफ रोडिंग भी किया है, सिटी में भी ड्राइव किया, हाईवे पर, मतलब हर तरीके से मैंने इस बाइक का एक्सपीरियंस ले रखा है। तो एक साल किसी व्हीकल को चलाना, 16,000 किलोमीटर चला लेना, तो आप समझ सकते हो गाइस काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाता है। तो क्या इस बाइक के प्रोज होने वाले हैं, क्या कौनस होने वाले हैं, मतलब कि क्या इस बाइक में अच्छा है, क्या बुरा है, इसकी क्या कमियां हैं, क्या अच्छाई हैं, सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको ये बाइक लेनी चाहिए या नहीं, और अगर लेनी चाहिए तो भाई किस एज ग्रुप को ये बाइक लेनी चाहिए, और इसकी जो कंप्यूटर बाइक है TVS रेडर, आपको वो लेनी चाहिए या फिर ये लेनी चाहिए, मैं सब चीज़ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस बाइक की मैं आपको कुछ एक दो खासियत बता देता हूं कि भाई सबसे पहली खासियत तो इसकी ये है कि 125 सीसी के सेगमेंट में सबसे ज्यादा मोस्ट डिमांडिंग बाइक है ये, और सबसे ज्यादा एवरेज देने वाली बाइक है 125 सीसी के सेगमेंट में। अगर चैनल पर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और अभी देखो बंदर आ चुके हैं भाई यहाँ पर। मैं आपको एक एक चीज इस वीडियो में बताऊंगा, तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है? तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। गाइस सबसे पहले मैं आपको इसका कंसोल ऑन करके ना ओडोमीटर में आपको इसकी रीडिंग दिखा देता हूँ, कितना किलोमीटर ये चल चुकी है, ठीक है? ओ भाई ये देखो, ये ना कुत्ता और देखो बंदर ऊपर चढ़ गया और ये कुत्ता नीचे खड़ा है। तो देखो ये 16,259 किलोमीटर भाई ये बाइक चल चुकी है। तो भाई 16,000 किलोमीटर ये बाइक चल चुकी है और एक साल इसको जो है हो गया है चलाते चलाते। क्या इसकी कंडीशन है, कुछ इसमें चेंजेस एक साल में आए या नहीं, तो ये कंडीशन आपको बताऊं तो भाई बाइक अभी जो है थोड़ी गंदी है क्योंकि बारिश का मौसम है, मैंने इसको अभी वॉश नहीं करवाया है। तो भाई कंडीशन इसकी ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, एक साल हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई कहीं से ये बजरी हो या कहीं कोई फाइबर का कोई पार्ट इसका लूज हो गया हो, कहीं से खड़खड़ की आवाज़ आए, मतलब ऐसा कोई भी साउंड इसका नहीं है। बस खाली थोड़ा जो इसका पेंट वगैरह कहीं कहीं पर ये रिमूव हो गया, बस वो तो खैर हो ही जाता है हर बाइक में। बाइक भाई एकदम ठीक है कंडीशन इसकी, मैं आपको चारों तरफ से दिखा देता हूँ, ठीक है? कंडीशन भाई एकदम ओके है इसकी एक साल के बाद भी। गाइस सबसे पहले ना इसकी जो कुछ कमी है मैं आपको वो एक बार काउंट करा देता हूँ, बता देता हूँ। तो भाई सबसे जो इसकी फेमस कमी है एकदम, जो कि हर एसपी 125 के ओनर को पता होगा उस कमी के बारे में, भाई वो है हीटिंग प्रॉब्लम। तो मैं आपको बताता हूँ कि ना वो एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या और उसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है? मैं आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा इस वीडियो में। देखो हीटिंग जो है इसमें ना लेफ्ट साइड में आती है, देखो ये आपको दिखाई दे रहा है इंजन के नीचे, ये है कैटलिक कन्वर्टर, इसको कैटलिक कन्वर्टर बोलते हैं। जब बाइक को हम ड्राइव करते हैं ना तो ये काफी जो है हीट हो जाता है, इतना हीट होता है कि आप देख सकते हो कि ये इसका जो पेंट है ये भी फेड हो चुका है पूरा, देखो ये हीट की वजह से। तो आप अगर चप्पल पहन के चलाओगे और खासकर समर में तो भाई बहुत ही आपको हीट महसूस होगी। तो इसका भाई हीट फील होने का सबसे बड़ा रीजन भाई यही है कि इसका कैटलिक कन्वर्टर जो है एकदम पैर के पास है और ये हाइड नहीं है, कवर नहीं है किसी चीज से। मोस्टली बाइक में क्या है कि ये कवर रहता है, ऊपर इसकी एक प्लेट होती है, तो होंडा वालों ने वो नहीं दिया, पता नहीं भाई क्यों नहीं दिया। लाख रुपए की बाइक अगर 150 की एक प्लेट लगा देते तो शायद ये प्रॉब्लम ना आती। तो आप ना आफ्टर मार्केट इसमें एक प्लेट लगवा सकते हो, उससे आपको हीट इतनी फील नहीं होगी, ठीक है गाइस? तो भाई ये सबसे इसकी फेमस कमी थी जो कि हर किसी एसपी के ओनर को जो है ये हर कोई शेयर करता था, एसपी 125 का ओनर, की इसमें हीटिंग की इशू है, ठीक है? और दूसरा गाइस इसका जो इशू है, जो मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ भाई, ऐसा नहीं है कि मैंने इसी बाइक को चलाया, मैंने एसपी 125, तीन एसपी 125 है मेरे पास, मतलब मेरे नोन में तीनों मैंने चलाई है, और तीनों में एक ही चीज मैंने नोटिस किया भाई, इसके जो सस्पेंशन है ना इसका जो सस्पेंशन है, देखो ये शॉकर है इसके, जो ये रियर शॉकर फ्रंट शॉकर भाई बहुत हार्ड है, इसका सस्पेंशन भाई बहुत ज़्यादा हार्ड है। अगर थोड़ा सा आप ऑफ रोड करोगे इसको, थोड़ा अगर एक पत्थर भी छोटा सा अगर इसके टायर के नीचे आ जाता है तो आपको बहुत ही अनकंफर्टेबल लगेगा, एकदम से आप उछल जाओगे ऊपर। मतलब सस्पेंशन इसका जो है एकदम स्मूथ नहीं है, काफ़ी ज़्यादा स्टिफनेस है उसमें, बहुत हार्ड है। ये चीज़ मेरे को इस बाइक की अच्छी नहीं लगी, बाइक दिखने में बल्की लगती है नो डाउट, ठीक है? वेट लेकिन इसका हल्का है, ये आपको ना 118 या 120 kg के आसपास इसका जो है टोटल वेट है, दिखने में बल्की लगती है। लेकिन गाइस अगर ना आप इसको सिंगल आप इस पर बैठे हो, पिलियन आपके साथ नहीं है और आप कहीं हाईवे पर जा रहे हो और आप इसको 90 प्लस अगर आप इसको चला रहे हो, तो मैंने जो फील किया आपको बता दूं, ये ना एकदम बगल में से अगर आपके कोई बड़ा व्हीकल निकलेगा, बस या ट्रक निकलेगा, तो गाइस एकदम ना हिल जाती है ये मैंने फील किया हुआ है। अगर आपने किसी ने ऐसा फील किया तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है गाइस? गाइस ये तो थी इसकी कुछ मेजर कमी, ठीक है? तो अभी आ जाते हैं इसमें क्या क्या अच्छाइयां है वो मैं आपको बताता हूँ, क्या क्या इस बाइक में जो है मेरे को काफी अच्छा लगा, ठीक है, और बाइकों के मुकाबले। गाइस फर्स्ट नंबर तो जो सबसे अच्छी बात है इसकी कि 125 सीसी के सेगमेंट में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली बाइक है, कंपनी क्लेम करती है 65 किलोमीटर पर लीटर, और इसका जो मीटर है गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ लाइव, देखो मीटर भी इसका जो है अभी एवरेज दिखा रहा है 65 किलोमीटर पर लीटर, ठीक है? तो कभी कभी ये 65 प्लस भी हो जाता है, 68, 69, 67 भी हो जाता है। और एक्चुअल में आपको बता दूं गाइस,
65 मैं जो है एवरेज इस बाइक से ले चुका हूँ, मैंने खुद चेक किया है। अगर आप चाहते हो कि मैं एक एवरेज की वीडियो बना के इसकी बाइक पर डालूँ, माइलेज टेस्ट का एक वीडियो बना के डालूँ, तो गाइस कमेंट करके बता देना, मैं डेफिनेटली जो है एक माइलेज की इसकी वीडियो बना के डालूंगा माइलेज टेस्ट की, अगर आप कमेंट करोगे तो। ठीक है गाइस, तो माइलेज काफ़ी अच्छा है इस बाइक का। सेकंड गाइस जो इसकी अच्छी चीज़ है गाइस वो है इसकी सीट। आप देख सकते हो इसकी जो विड्थ है भाई काफ़ी अच्छी है। मैंने इस पर लॉन्ग राइड किया, मैंने आप मेरे चैनल पर देखना, सबसे फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड किया दिल्ली टू खाटू श्याम, मैं खाटू श्याम इस बाइक से गया था। टोटल मैंने जो है अराउंड 700 किलोमीटर के आसपास इससे मैंने ड्राइव किया था, लेकिन मेरे को ना इतना जो है थकावट फील नहीं हुई, वो इस वजह से कि इसकी सीट जो है थोड़ी काफ़ी चौड़ी है, तो बैठने में काफ़ी अच्छा लगता है। आराम से आप इसमें तीन बंदे इमरजेंसी में, तीन नहीं, ट्रिपल राइडिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप इमरजेंसी में तीन बंदे आराम से बैठ सकते हो, या फिर दो बैठ के एक बीच में अच्छा खासा आप इसमें कोई सामान या कोई बैग वगैरह रख सकते हो, तो ये इसकी अच्छी बात है। एक तीसरा गाइस इसका ना लुक, मतलब आपको ना दोनों चीज़ में मिल जाती है, थोड़ा हल्का सा आपको स्पोर्टी लुक मिल जाता है और एक डिसेंट सा स्पोर्टी लुक हम इसको बोल सकते हैं। मतलब इसका लुक ऐसा है कि आप इसको ऑफिशियल यूज़ कर सकते हो, कोई आपका ऑफिस जाना हो डेली तो आप उसमें इस बाइक को यूज़ कर सकते हो, आपको कहीं कॉलेज वगैरह जाना हो, स्टूडेंट कॉलेज के स्टूडेंट हो वो इसको ले सकते हैं, ऑफिस जाने वाले इसको ले सकते हैं, तो काफ़ी डिसेंट सा इसका लुक है एकदम। मतलब ऐसा नहीं है कि बोरिंग सा, जो बाइक थी होंडा SP साइन उसका तो थोड़ा बोरिंग लुक था, उसी का एक अपग्रेडेड वर्जन है ये, तो इसका लुक जो है काफ़ी अच्छा है गाइस। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बता दूंगा, इस देखो इसका जो ये वाला पार्ट है ना इंजन का, ये लेफ्ट साइड वाला देखो, ये ना प्लास्टिक का है, मतलब बोले तो फाइबर का, देखो ये मैं भी सॉफ्ट हो गया था स्टार्टिंग में देख के, लेकिन आजकल गाइस आ रहा है इसमें इंजन का पार्ट फाइबर का है, लेकिन टैंक फ्यूल टैंक जो है इसमें मेटल का है देखो। ठीक है, आप रेडर लोगे ना या और कोई बाइक, उसमें आपको फाइबर का प्लास्टिक का टैंक मिलेगा, लेकिन फिर भी ठीक है इसमें मेटल का है, तो आजकल ये चीज़ें भाई हो रही हैं, मेटल की जगह फाइबर प्लास्टिक ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इससे। बाकी गाइस एक साल के अंदर ना एक इसमें चीज़ जो है डैमेज हो चुकी है वो बता दे रहा हूँ मैं आपको, जो कि मोस्टली हर बाइक में हो जाती है। देखो इसका ही लेग गार्ड, एक साल ही हुआ इसको, और देखो यहाँ से ये जो है इसकी ये टूट चुका है, यहाँ से डैमेज हो चुका है। ठीक है, आप देख सकते हो, ठीक है ये देखो यहाँ पर ये डैमेज हो चुका है। बाकी गाइस अगर आपका रेडर लेने का प्लान है और आप कंफ्यूज हो रहे हो कि रेडर लें या होंडा SP125 ले, तो भाई सिंपल सी बात है, मैं आपका अभी डाउट क्लियर कर दूंगा। अगर आपको ना स्पोर्टी लुक चाहिए कि आपको भाई बिल्कुल ही स्पोर्टी लुक चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा स्पोर्टी लुक आपको चाहिए, तो आप रेडर ले सकते हो, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा स्पोर्टी मिलेगा और थोड़ा सा डिसेंट लुक मिलेगा। बाकी देखो एवरेज आपको SP125 में ज़्यादा मिलेगा एज़ कम्पेरिजन टू रेडर। ठीक है, और रेडर में क्या है कि आपको थोड़ा सा पावर एक्स्ट्रा मिल जाएगी, ठीक है थोड़ा स्पोर्टी लुक मिल जाएगा। बाकी भाई मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, मेरे को तो भाई दोनों बाइक में सबसे बेस्ट SP125 लगती है, क्योंकि इसका देखो माइलेज अच्छा है, मेंटेनेंस कॉस्ट कम है। रेडर में क्या है ना, देखो आपको सीट थोड़ी अप डाउन मिलती है, तो आप अगर दो बंदे बैठते हो, कुछ सामान बीच में रखना हो, तो थोड़ा एडजस्ट करना मुश्किल हो जाएगा, इमरजेंसी में तीन बैठने पड़े तो शायद ना बैठ पाएं। और गाइस सबसे बड़ी बात देखो, आपको ना यहाँ पर रेडर में और SP125 में भाई प्राइस का डिफरेंस काफ़ी देखने को मिलेगा। SP125 का टॉप मॉडल आपको मिल जाएगा 1,05,000 के अराउंड आपको मिल जाएगा, और रेडर का आपको जो है टॉप मॉडल मिलेगा अराउंड 1,20,000, तो मोटा मोटा भाई 15-16,000 रुपये का डिफरेंस जो है दोनों बाइकों में यहाँ पर आ जाता है। बाकी भाई चॉइस अपनी अपनी, जो आपको अच्छा लगे मैंने आपको बता दिया है, तो आप उस हिसाब से भाई बाइक ले सकते हो। तो गाइस ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होंडा SP125 के साथ, जो भी था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। कुछ अगर छूट जाता है तो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स आपका ही है। ठीक है गाइस, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। और गाइस कमेंट करके जरूर बताना अगर आप चाहते हो कि मैं इस बाइक का जो है माइलेज टेस्ट का वीडियो बनाऊं, तो भाई कमेंट कर देना, मैं जरूर बनाऊंगा। ठीक है, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए, मोटो व्लॉग की वीडियो देखने के लिए। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं दोबारा किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।